आम आदमी पार्टी की हिमाचल टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में आम आदमी पार्टी का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिला भर के तमाम आम आदमी पार्टी के वर्कर और पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने पार्टी ऑफिस ऊना में बकायदा केक काटकर पार्टी के 10वें स्थापना दिवस को मनाया और लोगों को केक बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अब हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और पार्टी ने पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान भी चलाया हुआ है। पार्टी द्वारा दिल्ली में हुए विकास कार्यों को लेकर एक कैलेंडर भी जारी किया जा रहा है, जो आम आदमी पार्टी के वर्कर प्रदेश भर में घर घर और लोगों के दुकानों में जाकर बांट रहे हैं, ताकि दिल्ली सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी लोगों को मिल सके। हिमाचल प्रदेश में भी वे विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी जीतती है तो दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को विकसित करने की बात की जा रही है। असी आम आदमी पार्टी का 10वां जो स्थापना दिवस है वह मनाया। उन्होंने कंप्लीट टीम ने इकट्ठे हो के जेडे कि टीम के मेंबर है, साढ़े नेम प्रेजिडेंट इकबाल सिंह है, वाइस प्रेजिडेंट पीजे सियाल है, सैकटरी साहब जतेंद्र कुमार है, कोटलैंड कंस्टिट्यूएंसी के मिस्टर राजेश शर्मा है, और बाकी जो भी है हमारे कुछ आज के दिन में नए कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, 4 नया कार्यकर्ता जुड़े हैं, जिनसे हम ये भी उम्मीद करेंगे कि वो आगे के लिए इस आम आदमी पार्टी को और ऊपर उठाने के लिए आज अपने अपने साथ और 5-5 साथी जोड़ेंगे। इस दिवस पे हम आपको देशवासियों को भी, अपने कर्मचारियों को भी, सारों को ये हार्दिक बधाई देते हैं। सभी 800 सीटों पे। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम राजन शर्मा है और मैं आम आदमी पार्टी कुटलैहड़ विधानसभा का प्रेसिडेंट हूँ। और आज ये बड़ी शुभ घड़ी है क्योंकि आज के ही दिन 10 साल पहले श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। इस मौके पे पूरी आम आदमी पार्टी कुटलैहड़ विधानसभा और कोई आम आदमी पार्टी ऊना विधानसभा के सभी कार्यकर्ता ने यहाँ पर केक काट के इस दिन को हमने मनाया है। और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि कुछ कार्यकर्ता हमारे अभी भी पूरे हिमाचल विधानसभा और हिमाचल प्रदेश में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी जो 2022 में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें पूरे के पूरे 68 सीटों पर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है।